क्या आपको पता है ब्लैकबियर्ड के लाइफ की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? ब्लैकबियर्ड ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता, और क्यों ब्लैकबियर्ड हमेशा फाइट्स को अवॉइड करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइज एंड वेलकम टू एक्सप्लेनिंग में, और आज हम ब्लैकबियर्ड से रिलेटेड एक अमेजिंग थ्योरी देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले तो हम ब्लैकबियर्ड की लाइफ की सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे, देन हम ये देखेंगे कि ब्लैकबियर्ड क्यों नहीं सोता, और फाइनली हम ये जानेंगे कि ब्लैकबियर्ड मोस्टली फाइट्स को अवॉइड क्यों करता है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, जो है ब्लैकबियर्ड के लाइफ की सबसे बड़ी गलती। अब शायद आप ये सुन के थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि ब्लैकबियर्ड को जो चीज बाकी सबसे अलग और स्ट्रांग बनाती है ना, वही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो है दो डेविल फ्रूट्स को खाना। जी हाँ गाइस, ब्लैकबियर्ड ने दो डेविल फ्रूट्स खाए, यामी यामी नोमी और गुरा गुरा नोमी, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग तो हो चुका है, बट यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी। अब ब्लैकबियर्ड ऐसा एक लोता वन पीस कैरेक्टर है ना, जो दो डेविल फ्रूट्स खाने के बाद भी जिंदा है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि अगर कोई दो डेविल फ्रूट्स खाता है ना तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाती। बट फिर भी ब्लैकबियर्ड दो डेविल फ्रूट्स खाने के बाद भी जिंदा है। अब दो डेविल फ्रूट्स खाने की वजह से ब्लैकबियर्ड कैसे मर सकता है और ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्यों है ना, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा आखिर ब्लैकबियर्ड सोता क्यों नहीं है। तो देखो, ब्लैकबियर्ड के ना सोने के दो रीजन हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट रीजन तो मोस्टली सबको ही पता होगा कि ब्लैकबियर्ड एक विंटर आइलैंड से है जहां डेंजरस एनिमल्स होते हैं, इसलिए वहां सोने का मतलब है आपकी मौत, इसलिए ब्लैकबियर्ड को हमेशा जागने की आदत लग गई। बट इसका सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड ने खुद से ऐसी ट्रेनिंग ली हो जिसकी वजह से वो बिना सोए भी जिंदा रह सके। अब चाहे इन दोनों में से कोई भी रीजन हो, बट मेन पॉइंट तो ये है ना कि हमेशा जागते रहना ही ब्लैकबियर्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे और ब्लैकबियर्ड ऐसी ट्रेनिंग क्यों करेगा, ब्लैकबियर्ड तो छोड़ो कोई भी ऐसी ट्रेनिंग क्यों करेगा। तो इसका रीजन ये हो सकता है ना कि ब्लैकबियर्ड का पहले से दो या तीन डेविल फ्रूट्स खाने का प्लान हो, जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड ने अपने बॉडी को ऐसी ट्रेनिंग दी हो कि वो बिना सोए भी जिंदा रह सके, और हमेशा जागने की वजह से ब्लैकबियर्ड दो डेविल फ्रूट्स को कंट्रोल कर पाता है। एक्चुअली दो नहीं, एक ही, बिकॉज ब्लैकबियर्ड का जो यामी यामी नोमी फ्रूट है ना, वो ब्लैकबियर्ड के दूसरे फ्रूट की पावर को नलीफाई करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड दो डेविल फ्रूट खाने के बाद भी जिंदा है। बट अगर ब्लैकबियर्ड सोता है ना तो ये डेविल फ्रूट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड मर भी सकता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि दो डेविल फ्रूट्स खाना ब्लैकबियर्ड की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज इससे उसकी जान भी जा सकती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि डेविल फ्रूट्स तो यूजर के नॉक होने के बाद काम करना बंद करते हैं ना, सोने पर नहीं, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। बट ब्लैकबियर्ड ने दो डेविल फ्रूट खाए एंड रिसेंटली हमें पता चला कि डेविल फ्रूट्स लोगों की विशेष और ड्रीम्स से बनते हैं, तो ब्लैकबियर्ड इसलिए नहीं सोता कि शायद वो सोने के बाद दो डेविल फ्रूट्स की विल को हैंडल ना कर पाए, एंड यही वो रीजन है कि ब्लैकबियर्ड मोस्ट ऑफ फाइट्स को अवॉइड करता है। और जैसा हमने अब तक देखा है ना कि ब्लैकबियर्ड ने पहले तो शैंक्स से फाइट नहीं की, बाद में ओकाइनो के अगेंस्ट भी भाग गया, और रिसेंटली तो वो रैली से भी फाइट नहीं करना चाहता था, इवन दो रैली खुद एडमिट करता है कि ब्लैकबियर्ड शायद उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ब्लैकबियर्ड इन फाइट से सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि इन फाइट्स में उसके पास कोई भी स्ट्रांग बैकअप नहीं था, और अगर वो इनमें से एक भी फाइट में गलती से भी नॉक हो जाता ना तो वो मर सकता था। लाइक शैंक्स के पूरे क्रू के अगेंस्ट उसका कोई चांस नहीं था क्योंकि उसका क्रू तो जस्ट बना था, एंड समझ लो बाय चांस वो शैंक्स के अगेंस्ट जीत भी जाता ना तो भी वो मरीन टेरिटरी थी, जिसकी वजह से वो बाद में किसी भी मरीन एडमिरल से नॉक हो सकता था। देन अगर ब्लैकबियर्ड अकाइनो के अगेंस्ट फाइट करता ना तो वहां भी मरीन बैकअप आने के चांसेस थे, एंड रैली के अगेंस्ट जीतने के उसके 50-50 चांसेस थे, और वहां पर उसके पास कोई भी बैकअप नहीं था। लाइक उसके साथ जितने भी उसके कमांडर्स थे ना वो सारे स्टोन बन चुके थे, एंड बाकी के कमांडर्स वहां पर नहीं थे, इसलिए उसने रैली से फाइट ना करने का डिसाइड किया होगा। तो ओवरऑल मुझे यही लगता है कि ब्लैकबियर्ड यामी यामी नोमी फ्रूट की वजह से ही दो डेविल फ्रूट्स खा पाया, और सिर्फ दो डेविल फ्रूट खाने की वजह से वो ना ही सो सकता है और ना ही नॉक हो सकता है, नहीं तो उसके डेविल फ्रूट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे जिससे वो मर भी सकता है। अब ब्लैकबियर्ड सिर्फ अपने दो डेविल फ्रूट की वजह से स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली में भी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से शायद आने वाले चैप्टर्स में ब्लैकबियर्ड इनमें से किसी को मार दे। अब वो क्यों और कैसे मारेगा ना, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।